Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and today in this video we are going to solve exercise 2.1 question number 4. Ab dekho, this is the most important question or you can say one of the most important question from the fraction one. Ab dekho question kya diya hua hai aapki screen pe bhi aa raha hoga, dhyan se padho. A rectangular sheet of the paper is 12 1 upon 2 cm long and 10 2 upon 3 cm wide. Find its perimeter. Ab dekho, ek rectangular sheet hai जिसमें लेंथ दी हुई है 12 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ मतलब वाइडनेस कितनी दी है 10 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर और हमें बोला है कि हमको पेरीमीटर निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ईच एंड एवरीवन टू राइट डाउन अ सिंपल नोट दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2l + b. ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b. ऑलराइट ऑलराइट. सो देखो, अब ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा जिनको शॉर्ट ट्रिक या तो उनको वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट पता नहीं होगा कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं. अगर आपको नहीं पता तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कितना इजी बना दूंगा. और मेरे चैनल का मेन एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैथ्स ईजी लगे. ठीक है, तो एकदम प्रॉपर ईजी और क्विक वे में आपको सॉल्यूशन में आपको बताता हूं. देखो, अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या दिया है, 2 लेंथ प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ. और इस टाइप के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा. तो अगर आप सेवन्थ से इस तरीके की पढ़ाई करोगे तो सोचो जब आप नाइन्थ टेंथ में जाओगे तो आपका मैथ्स कितना स्ट्रांग हो जाएगा. तो वही मेरे चैनल का मोटिव है. अब देखो, ध्यान से देखो, 2l + b. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2. अब लेंथ कितनी दी हुई है, 12 1 अपॉन 2, तो लिख दो 12 1 अपॉन 2. प्लस ब्रेथ कितना दिया है, 10 2 अपॉन 3, तो लिख दो 10 2 अपॉन 3. अब हम क्या करते हैं, 12 इंटू 2 वो सब हमको नहीं करना. ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दो, 12 प्लस 10 कितना होता है, 22. ठीक है, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, तो 22. अब 2 और 3 का एलसीएम हम सबको पता है 6, तो यहाँ पे नीचे लिखो 6. अब 2 इंटू 3 करोगे तो 1 भी इंटू 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3. प्लस 3 इंटू 2 करोगे तो 2 भी इंटू 2 करोगे, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4. ठीक है, तो क्या आ गया मेरा, 2 22, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 अपॉन 6. तो क्या आया, 2 इन अ ब्रैकेट 22, 7 अपॉन 6. अब देखो, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था 7 अपॉन 6 न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए इसमें सिर्फ एक ऐड कर दो. ठीक है, जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखो 7 अपॉन 6 न्यूमरेटर बड़ा है तो आपका वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये आपका समझना बहुत जरूरी है. तो 7 अपॉन 6 मेरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मुझे प्रॉपर बनाना है तो बस इसमें एक ऐड कर दो. तो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23. देखो कितना इजी है, तो मैं यहां पे करता हूं 2 इंटू 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23. अब ये 6 तो एज इट इज रहेगा, अब 7 माइनस 6 क्या होता है, 1. तो बस यहां पर लिख दो 1. अब आपका आंसर आ गया. अब 2 23 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 बाई 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 23 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 46. ठीक है, अब 2 इंटू 1 बाई 6, तो 2 इंटू 1 अपॉन में 6, सो 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 46 1 बाई 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है जो आपका आएगा पेरीमीटर ऑफ, हमको किसका पेरीमीटर पूछा था, रेक्टेंगल का. सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप पहले ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना, फिर आप ये मेथड फॉलो करना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सी मेथड ज्यादा बेनिफिट है. ठीक है, सो दिस वॉज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5.